और जैसे आप देख रहे हैं कि आज हमने जो बात की है सेल्फ लव की और ये जो निकलोडियन का जो इनिशिएटिव है विच इज़ वन ऑफ अ काइंड, यू नो बहुत ज़रूरी होता है अपने बच्चों को शुरुआत से बताना दैट दे ऑल आर वन ऑफ अ काइंड, क्योंकि हर एक बच्चे की एक अलग पर्सनैलिटी होती है. इट्स ओके टू लेट देम लिव आउट ऑफ द बॉक्स. और आजकल जो बात करते हैं और देखते हैं हम बहुत ज़्यादा जो बच्चों पे प्रेशर डाला जाता है टू टेक अवे फ्रॉम देम. आई थिंक निकलोडियन का ये जो आज एफर्ट है टू हैव दीज कॉन्वर्सेशंस आउट इन पब्लिक, स्टार्ट थ्रू स्कूल्स, सेंड इट आउट वाया द प्रेस एंड द मीडिया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन दैट नीड्स टू बी हैड. यहाँ पे हमने ढेर सारी कन्वर्सेशन भी आपने की, ढेर सारी आपसे बातें भी की, तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस स्कूल में आकर एंड कैसे? आई थिंक मैं स्कूल काफ़ी जाती हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस जब मैं स्कूल में जाती हूँ मुझे ऐसे लगता है यार मैं पिकअप या ड्रॉप के लिए जा रही हूँ. बट स्कूल से तो बहुत आना जाना है, बट जी आई कम टू ऑर्किड्स इंटरनेशनल, अलग किस्म का स्कूल है. द काइंड ऑफ स्कूल दैट माय डॉटर गोज़ टू इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. और जैसे मैंने कहा मायने क्या रखता है कि बच्चे स्कूल जाए, किस तरह के स्कूल जाए वो यू नो अपने यू नो उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है. एंड यस, बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन थी, एंड आई एम होपिंग कि आज जो है ऑडियंस ने सुना है और ये अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे. हम जितनी भी सेल्फ लव की बातें कर लें, जब तक आप अपनी लाइफ में अपनी निजी ज़िंदगी में इनको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो यू नो किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होता है. एक सेकेंड बच्चों को क्या मैसेज देगा मैम आपकी तरफ से, जो स्पेशलाइज करते हैं बच्चों को कम्प्लीट करने के लिए? आई थिंक जैसे मैम ने भी आज डॉक्टर ने भी कहा दैट यू नो मोर देन हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग लेट्स डू सबमरीन पेरेंटिंग, लेट्स वॉच केयरफुली व्हाट दे आर डूइंग, बट एट द सेम टाइम डोंट पुट देम अंडर प्रेशर. कितना कुछ सुनने को आता है पोस्ट कोविड, देयर बीन सो मेनी मेंटल हेल्थ यू नो इशूज अबाउट चिल्ड्रन ऑल्सो. और हर एक बच्चे को हमको कंपैरिजन से दूर रखना, प्रेशर से दूर रखना, यू नो उनकी एबिलिटी क्वेश्चन करना इन सब चीज़ों से, या फिर एक बॉक्स के अंदर डाके की कहना कि नहीं तुमको ऐसा ही बनना है बिकॉज दे हैव लिव योर ड्रीम, इन सब चीज़ों से दूर रखना बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे यू वॉन्ट अ हेल्दी चाइल्ड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ हेल्दी चाइल्ड इज अ हेल्दी माइंड. एंड पेरेंट्स होने के जरिए यू नो या पेरेंट्स होने के नाते ये अपने आप को रोज़ बताना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स व्हाट यू टीच योर चाइल्ड इज़ व्हाट योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू पिक अप एंड बिकम दैट. सो इट्स द रेन्स आर एंटायरली इन योर हैंड. आई मीन आई डेफिनेटली थिंक दैट चिल्ड्रन शुड नॉट बी पुट अंडर एनी प्रेशर.